नमस्कार दोस्तों, मैं हुआ मोर रावत और स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपका भी एक यूट्यूब चैनल है तो जैसे ही आप कुछ लिंक शेयर करते हो तो आपका एक बहुत ही बड़ा नाम या कुछ लेटर्स शेयर करने वाले को जाते हैं। इसके बजाय आज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि कस्टम यूआरएल हम कैसे बना सकते हैं, यानी कि आप पर्सनल नेम उसमें यानी कि यूट्यूब के आगे पर्सनल नेम कैसा रख सकते हैं, इसको हम कस्टम यूआरएल बोलते हैं। तो इसमें आपको चार चीज़ें होना बहुत ही आवश्यक है। एक तो 100 सब्सक्राइबर्स आपको चाहिए, आपका चैनल कम से कम 1 महीने पुराना होना चाहिए, आपके चैनल पे चैनल आर्ट और चैनल आइकॉन होने चाहिए। ये अगर चार चीज़ें आप फुलफिल करते हो तो आपके चैनल में आप कस्टम यूआरएल बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले देख लेते हैं डिलीट कैसे करना है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा youtube.com पे। वहाँ पे जाने के बाद चैनल आर्ट को क्लिक करना पड़ेगा। उसमें जाने के बाद सेटिंग में माय अकाउंट में जाना पड़ेगा। माय अकाउंट में जाने के बाद पर्सनल इन्फो और एकदम बॉटम में आना है आपको। गो टू अबाउट मी। अबाउट मी में जाने के बाद सबसे नीचे आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन दिखेगा अबाउट में यूट्यूब कस्टम यूआरएल, जो कि मैंने पहले क्रिएट किया है। मैं उसको क्लिक करूँगा और उसको मैं सिंपली रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद ये देखिए, हु कैन सी योर कस्टम यूआरएल, इसको हमको रिमूव कर देना है और फिर से एक बार रिमूव पे क्लिक कर देना है। और ये करने के बाद जो मेरा पहला कस्टम यूआरएल था वो डिलीट हो जाएगा। अब देखते हैं नया कस्टम यूआरएल कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा youtube.com पे। उसके बाद जो आपका चैनल आइकॉन रहता है वहाँ पे जाने के बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे आना है व्यू एडवांस सेटिंग में योर चैनल में। तो वहाँ एडवांस सेटिंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टम यूआरएल, यू आर एलिजिबल फॉर कस्टम यूआरएल, उसको आपको क्लेम कर देना है। उसको सीधा सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एडवांस सेटिंग में आप जैसे जाएंगे यहाँ पे देखिए चैनल सेटिंग में यू आर एलिजिबल फॉर कस्टम यू आर एल, वहाँ पर क्लिक करने के बाद ऐसा ये अपने आप कुछ ऑप्शन दे देगा। तो वो ऑप्शन में जैसा ही मुझे जो एलिजिबल या मैं जो सेलेक्ट करूँगा अमोल टेक है, उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे कुछ प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स कुछ ऐड करना पड़ेगा। अमोल टेक जैसे पहले किसी ने लिया है तो वो मुझे नहीं मिल सकता। ये देखिए डॉट भी यहाँ पे नहीं ले रहा है, तो मैं अमोल टेक अंडरस्कोर इन डाल दूँगा और ये मुझे यूआरएल कस्टम यूआरएल मुझे मिल गया है। तो इसको सिंपली मैं आई हैव रीड एंड एग्री टू द कस्टम यूआरएल टर्म्स ऑफ यूज़, इसको क्लिक कर दे और करने के बाद चेंज यूआरएल को क्लिक कर देना है। ये क्लिक होने के बाद मेरा चैनल का कस्टम यूआरएल यहाँ पे रेडी हो जाएगा। कंफर्म कस्टम यूआरएल आपको कंफर्मेशन के लिए बोल देगा। इसको आपको सीधे कंफर्म चॉइस पे क्लिक कर देना है और याहू आपका कस्टम यूआरएल यहाँ पे रेडी हो गया है। तो ये होने के बाद मैं ट्राई करने के लिए देखता हूँ youtube.com डाल के स्लैश अमोल टेक अंडरस्कोर इन, जैसा कि मैंने डाला था ये यहाँ पे डाल के देखते हैं कि ये यूज़ करता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए मैंने डाल दिया अमोल टेक अंडरस्कोर इन। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ मैं सीधे मेरे चैनल की होम स्क्रीन पे आ जाता हूँ। तो ये होने के बाद आप किसी को भी सिंपली बोल सकते हैं, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं youtube.com/amoltech_in। दोस्तों बनाइए कस्टम यूआरएल, बढ़ाइए सब्सक्राइबर्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।